टीम इंडिया के दूसरे वार्म अप मैच पर भी मंडरा रहा है बड़ा खतरा। आपको बता दें दोस्तों, टीम इंडिया वर्ल्ड कप 2023 में अपने अभियान की शुरुआत 8 अक्टूबर को चेन्नई में करेगी, लेकिन उससे पहले दोस्तों टीम इंडिया को दो अभ्यास मैच खेलने हैं। गुवाहाटी में 30 सितंबर को भारत और इंग्लैंड के बीच होने वाला अभ्यास मैच बारिश के भेंट चढ़ गया। भारत के पास सिर्फ एक अभ्यास मैच बचा है खेलने को। आपको बता दें दोस्तों कि वर्ल्ड कप में शामिल सभी 10 देशों को दो दो अभ्यास मैच खेलने हैं, लेकिन अभी तक सिर्फ दो अभ्यास मैच ही हो पाए हैं और बाकी के अभ्यास मैच बारिश के कारण धुल गए हैं। दोस्तों, टीम इंडिया का अगला अभ्यास मैच कब, कहां और किसके साथ होने वाला है और कैसा रहने वाला है उस दिन मौसम का हाल जानेंगे इस वीडियो में आगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि टीम इंडिया वर्ल्ड कप में अपनी परचम लहराए तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिएगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया को घरेलू वनडे सीरीज में 2-1 से हराने के बाद वर्ल्ड कप का अपना पहला अभ्यास मैच खेलने के लिए गुवाहाटी पहुंची थी। भारत और इंग्लैंड के बीच होने वाले उस अभ्यास मैच में टॉस तो हुआ, लेकिन उसके बाद पूरे दिन बारिश ने अपना खेल दिखाया और ये मैच रद्द करना पड़ा। अब टीम इंडिया अपना अगला अभ्यास मैच 3 अक्टूबर को तिरुवनंतपुरम में नीदरलैंड के खिलाफ खेलेगी। आपको बता दें दोस्तों कि बारिश ने यहां पिछले दो अभ्यास मैचों का कबाड़ा किया है। आपको याद दिला दें कि यहां दक्षिण अफ्रीका और अफगानिस्तान के बीच पहला मुकाबला बारिश के कारण रद्द हो गया था, जबकि 30 सितंबर को यहां खेले गए ऑस्ट्रेलिया और नीदरलैंड के बीच अभ्यास मैच भी बारिश के भेंट चढ़ गया। मौसम रिपोर्ट की माने तो 3 अक्टूबर को होने वाले टीम इंडिया के दूसरे अभ्यास मैच पर भी बारिश का खतरा मंडरा रहा है, लेकिन उम्मीद है कि मौसम रिपोर्ट गलत साबित हो और टीम इंडिया को वर्ल्ड कप में अपने अभियान की शुरुआत से पहले बल्लेबाजी और गेंदबाजी में अभ्यास करने का मौका मिले। तो दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।